बहुत ही कम समय में, यानी कि महज 2 सालों में, स्प्लेंडर जैसे 25 सालों से जो अपना राज चला रहा है, उस गाड़ी को बीट करने वाली टीवीएस रिडियन और जो हीरो की ही मैन्युफैक्चरिंग है पैशन प्रो, ये दोनों ही गाड़ियां आ गई है BS6 में। कई सारी कमेंट्स और मैसेजेस के बाद इस वीडियो में हम इन दोनों का रियल लाइफ कंपेरिजन करने वाले हैं। इन दोनों ही गाड़ियों को चला चुके साथ ही मार्केट में यूज कर रहे इन गाड़ियों के ओनर्स से अलग अलग सवालों से अलग अलग तरह की बातें करके कुछ पॉइंट्स निकल करके आए हैं। उन्हीं पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है, उन्हीं समरी के आधार पर आज का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो और यही अपने चैनल की पहचान भी है, क्योंकि यहां पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। इन दोनों ही गाड़ियों में से किसकी हैंडलिंग अच्छी है, कौन से गाड़ी की माइलेज आपको अच्छी मिलने वाली है, किसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, रनिंग किसकी काफी अच्छी है, जो इंजन है वो किसका जल्दी हीट होता है या फिर किसकी पुलिंग पावर अच्छी है, कौन सी गाड़ी आपको लॉन्ग ड्यूरेबल रहेगी, तरह तरह के सवाल आप लोगों के मुझ तक पहुंचे हैं और उन सभी का आज मैं यहां पर जवाब देने वाला हूं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले बात करता हूं इन दोनों के लुक की, जो कि एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। आप यहां पर देख पा रहे हो दोनों में से किसका लुक आपको अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात कर लेते हैं मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी अच्छी आपको रिडियन में मिल रही है, जो इसमें जॉइंट्स बहुत कम है, जो स्प्लेंडर है उसको ही बीट करने के लिए इसे बनाया गया है, तो कुछ उस तरह की ही बिल्ड क्वालिटी टीवीएस ने इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड करी है। अब इसका यह मतलब मत समझ लेना कि पैशन प्रो की बिल्ड क्वालिटी खराब है, बिल्कुल नहीं है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। कुछ हद तक जो प्लास्टिक मटेरियल इस गाड़ी में मिल रहा है आपको पैशन में, पैशन प्रो BS6 में, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नज़र आता है, लेकिन ये हार्ड क्वालिटी का है, ऐसा फोल्ड होता है, टूटता नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो हीरो और जो TVS है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो दोनों देसी ब्रांड है, भले ही अपनी गाड़ी में एक आध फीचर कम दे दे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यही सीन यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों ही गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है अपने आप में लाजवाब मिल रही है। बात कर लेते हैं इन दोनों की हैंडलिंग की, चलाने में कौन सी गाड़ी बेटर फील होती है। बॉडी वेट रेशियो के हिसाब से दोनों के कर्व वेट देखा जाए तो रिडियन 118 किलो की गाड़ी आती है, पैशन प्रो 117 केजी। तो दोनों में ही बॉडी टू वेट रेशियो अच्छे से मेंटेन करा गया है, जिसका प्रभाव हाईवे पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो जरूर दिखता है। हाईवे के साथ साथ जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को रूरल एरियाज में चलाने के लिए लेके जाते हो, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए लेके जाते हो जहां पर इतने अच्छे रास्ते नहीं है, तो उन कंडीशंस में रिडियन का 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा सपोर्ट करता है, वही पैशन प्रो का भी 180 का ही मिल रहा है। तो दोनों ही गाड़ियों को नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल पिकअप अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है पैशन प्रो ज्यादा पॉइंट्स लेकर के जाती है। रिडियन 110 सीसी के हिसाब से अच्छा ही है, इनिशियल पिकअप बुरा नहीं है, ये बुरा है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कंपेयर अगर पैशन प्रो के साथ किया जाए तो कहीं ना कहीं पैशन प्रो यहां पर ज्यादा पॉइंट्स लेकर के जाती है। वही टर्निंग रेडियस, यानी कि जो व्हील बेस है दोनों ही गाड़ियों में, आपको रिडियन में 1265 mm का मिल रहा है, 1270 mm का पैशन में मिल रहा है, पैशन यानी कि पैशन प्रो। मैं जब पैशन बोलूंगा तो आप पैशन प्रो समझ लेना, क्योंकि पैशन प्रो बोलने में पूरा जो लंबा नाम है हेक्टिक सा महसूस हो रहा है। तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितना कम व्हील बेस उतना कम टर्निंग रेडियस, जितना कम टर्निंग रेडियस उतना आपकी गाड़ी सिटी में चलाने के लिए या फिर एक जगह पे घुमाने के लिए इजी हो जाता है। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 5 mm आपको समझ में भी नहीं आएगा, दोनों ही गाड़ियों का टर्निंग रेडियस खासा अच्छा ही है। आपको सिटी में ही चलाने के लिए ये दोनों बनाई गई है, तो सिटी के लिए ये काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे हैंडलिंग प्रोवाइड कर देती है। वही सिटी राइडिंग की मैं बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पर पैशन प्रो क्लियर कट विनर है। क्लियर कट विनर यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो कि आपको रिडियन में नहीं मिलता है, ऑटो सेल। ऑटो सेल का ये मतलब है कि जो पैशन प्रो है आपकी जो थ्रोटल है विदाउट आप कंटिन्यू घुमा रहे हो गाड़ी चलती है वो ना करे हुए, एक बार आप गाड़ी गियर में डाल दो और जो आपका हाथ हटा लो एक्सलेटर से, जिसे हम थ्रोटल भी कहते हैं, गाड़ी अपने आप आपकी चल पड़ती है। तो लंबी ट्रैफिक है, ऐसी बहती हुई ट्रैफिक है जो कि धीरे धीरे निकल रही है, ऐसी केस में आप आराम से गाड़ी पर बैठ करके गाड़ी अपना काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन वो वाली चीज़ रेडियन पे नहीं है, आपको एक्सलेटर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो सिटी राइडिंग के लिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर फीचर है पैशन प्रो का। अब सिटी की बात हो गई, चलते हैं हाईवे पर। अब हाईवे पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, रेडियन में जो 85 प्लस का स्पीड आराम से ये कवर कर लेती है, स्टेबल भी रहती है, यहाँ पर कई कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। पैशन प्रो 85 से लेकर 90 तक भी चली जाती है, 90 के ऊपर भी ये गाड़ी गई है, ऐसे में भी ये काफ़ी स्टेबल चलती है, चिपक कर चलती है हाईवे पर, कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होने वाली है। जब आप हाइयर स्पीड पर दोनों ही गाड़ियाँ चलाते हो तो ज़्यादा वाइब्रेशन आपको रेडियन में महसूस
महसूस होते हैं जो कि पैशन प्रो में इतने ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप ज़्यादा हाइयर स्पीड के शौकीन नहीं हो तो दोनों ही गाड़ियों में कहीं कोई फर्क आपको नहीं दिखने वाला। कॉर्नरिंग दोनों ही गाड़ियों पर पॉसिबल नहीं है। पैशन प्रो पर आप थोड़ी बहुत जिगजैग कर सकते हो लेकिन वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। दोनों ही गाड़ियाँ सिटी के लिए बनी है, कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ, स्पोर्ट सेगमेंट की गाड़ियाँ नहीं है। गियर शिफ्टिंग, गियर भी दोनों में फोर स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। दोनों के गियर काफ़ी स्मूथ है, कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। अब पुलिंग पावर अगर बात कर ली जाए यानी कि खींचने की ताकत जो होती है, अगर लंबी चढ़ान है, ऐसे में अगर आप दोनों ही गाड़ियों को एक साथ चला रहे हो, आपके साथ पिलियन भी है, कुछ वेट भी है गाड़ी पर आपका भी बहुत ज़्यादा वेट है, ऐसे में आपको अच्छे से खींच कर लेके जाती है पैशन प्रो। रेडियन भी लेकर के जाती है लेकिन एक सर्टन पीक पॉइंट आता है। अगर 3-4 किलोमीटर की लंबी चढ़ान है, आप एक 60 के स्पीड पर दोनों ही गाड़ियों को कंटिन्यू चला रहे हो, तो जो पीक पॉइंट होता है यानी कि जो एक चढ़ान खत्म होने वाला जो एक डेड एंड होता है, उस डेड एंड पे 60 से लेके 55 तक स्पीड अपने आप आ जाता है रेडियन का, जो कि पैशन प्रो का भी आता है लेकिन अगर 60 का है तो ये कुछ 58 या फिर 59 तक ही आएगा। तो ये फ़र्क है पुलिंग पावर में इन दोनों का। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ही आपको पता चलती है, बाकी आपको ऐसी चीज़ें शायद ही कोई बता पाएगा। अब तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में। खैर वो आपकी मर्जी है। इन दोनों ही गाड़ियों की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इनके ट्यूबलेस टायर्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको आगे पीछे 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है हर सीज़न में। सारी बातें हो गई लेकिन इन दोनों के दिलों की बात अभी जानना बाकी है। रेडियन में आपको 109.7 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है जो कि FI के साथ आता है। इसका मैक्सिमम पावर आपको 8.08 BHP की मिलती है, मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm का मिलता है और यहाँ पे किक एंड सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी के साथ इसमें TVS की अपनी जो स्टैंडर्ड इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी मिल जाती है। ये इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ लगा हुआ है BS4 में जो आता था उसके मुकाबले। BS6 में जो बनाया गया है इसे काफ़ी अच्छा और स्मूथ ये एहसास देती है। इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी लेकिन अगले जनरेशन में शायद ये और भी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। वही पैशन प्रो की अगर बात करूं तो यहां पे 113.2 सीसी। अब यहां पे फर्क है, जैसे मैंने कहा पुलिंग पावर और फिर हाईवे की जो राइडिंग क्वालिटी है, तो यहां पे फर्क दिखता है। 113.2 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन आपको पैशन प्रो में मिल रहा है। ये भी FI के साथ आता है। इसकी मैक्सिमम पावर 9.14 PS की है, ये ज़्यादा है रेडियन से। वही मैक्सिमम टॉर्क 9.79 Nm का मिल रहा है, ये भी ज़्यादा है रेडियन से। इस गाड़ी का इंजन तो लाजवाब है, पहले से कई गुना जो स्मूथनेस का एहसास है वो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे हीरो की अपनी स्टैंडर्ड i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है। कुछ लोगों को ये i3s टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आया हुआ है, जितना इसने अच्छा काम आइडियल स्टार्ट स्टॉप जो होता है इसका, तो जितना अच्छे से काम करना चाहिए वो पैशन प्रो में शायद नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स रिसीव हो रही है। हमारे व्यूवर है एक नसरू करके, उन्होंने भी कमेंट करी थी इस चीज़ की। मैं पर्सनली पुष्टि करूंगा, देखूंगा मार्केट में क्या वाकई ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद ही मैं आपको कन्फर्म बता पाऊँगा। खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पे एक और फीचर आपको मिलता है, अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है किसी एक्सीडेंटल केस में आप फंस जाते हो तो इसका इंजन अपने आप कट हो जाता है, कट इट मीन्स बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। और वहीं जैसे मैंने हाईवे परफॉर्मेंस दोनों ही गाड़ियों का बताया था, तो वाइब्रेशंस तो रेडियन में 85-90 के बाद थोड़े बहुत महसूस होते हैं 80-85 तक, लेकिन उसकी मात्रा पैशन प्रो में कम है। 85-90 या फिर 90 के ऊपर भी ये गाड़ी थोड़ी बहुत चली जाती है तो इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हो इसकी जो फर्क है, यानी कि 113 सीसी का इंजन है, पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, शायद इसी वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल आपको थोड़ी सी हाईवे पर देखने को मिलती है रेडियन के मुकाबले। वही अगर कंफर्टेबल एबिलिटी की बात कर ही रहा हूं, तो सीटिंग और सीट हाइट की भी बात कर लेते हैं। 800 mm की सीट हाइट रेडियन की है, 799 mm की पैशन प्रो की है, लगभग 800 mm की ही है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट तक है, 5.3 फीट भी आप कह सकते हो, तो इतनी अगर है तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को इजीली चला लोगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। वही इन दोनों ही गाड़ियों की जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनिंग जो है यहाँ पर बेहतरीन दी गई है, राइडर भी अच्छी तरह से बैठ पाता है, पिलियन भी अच्छी तरह से बैठ पाता है। दोनों ही गाड़ियों पर आप लंबी जर्नी कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियों के सस्पेंशन लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि रेडियन के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहे हैं, वही पैशन प्रो में भी आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट
फ्रंट में और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहा है। कुछ हद तक सेम है फंक्शन, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। ओबड़ खाबड़ रास्तों पर आपको दोनों ही लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स लेकर नहीं जाता है। इस गाड़ी में आपको डिस्क और ड्रम, यानी कि इन दोनों ही गाड़ियों में डिस्क वेरिएंट ड्रम वेरिएंट अवेलेबल है। तो ब्रेकिंग में अगर बात कर ली जाए तो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम रेडियन में मिलती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पैशन प्रो में मिल रही है। दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है, पिछला लगाओ तो अगला भी लग जाता है, थोड़ा बहुत फंक्शन में आ जाता है, यही कुछ है। दोनों के डिस्क वेरिएंट अगर लोगे आप तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड हो रही है, किसी में भी कोई ज़्यादा पॉइंट्स लेकर नहीं जाता है, यहाँ पर भी सिमिलर पॉइंट्स लेकर के जाता है। तो 65-70 के स्पीड पर भी अचानक पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर भी दोनों गाड़ियाँ अच्छे से आपको कंट्रोल कर लेती है, स्किट नहीं होने देती। वही दोनों ही गाड़ियों में आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, लेकिन रेडियन में LED DRL मिल रहा है, जो कि दिन में आपको जो बड़ा लाइट होता है उसकी पावर सेव करती है बैटरी, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर रेडियन में मिल रहा है। लेकिन रात के समय में कहानी उल्टी हो जाती है, जो पैशन प्रो का हेडलैम्प है वो थोड़ा सा क्लियर विजुअल एबिलिटी अपने आप में जो है पावर रखता है, जो कि रेडियन का हेडलैम्प इतना अच्छा पावर जो है कैपेसिटी नहीं है उसकी इतना अच्छा दिखा दे रास्ता, क्योंकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो रेडियन का हेडलाइट कहीं ना कहीं फेंट हो जाता है, फेंट इट मीन्स हमें ऐसा महसूस होता है आंखों को, थोड़ा संभाल कर चलानी पड़ती है गाड़ी जब तक कि वो सामने वाली गाड़ी गुजर ना जाए, बस यही कहानी है। आइए मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी कितना पीती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। रेडियन में 10 लीटर का और पैशन प्रो में 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, लेकिन जो माइलेज है दोनों का सिमिलर ही है, 60 से लेकर 65 KMPL किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। माइलेज भी डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें होती है। लगभग 60 से लेकर 65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। वही प्राइस की भी सेम सीन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह प्राइस अलग अलग होती है, तो आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इनके एग्जैक्ट प्राइस पूछ सकते हो। लेकिन टेंटेटिव एक शोरूम प्राइस अगर मैं बताऊँ रेडियन की, तो 60 से लेकर 68,000 तक मिलती है, पैशन प्रो की 65 से लेकर 70,000 तक मिल जाती है। पैशन प्रो थोड़ी सी महंगी आपको ऑन रोड मिल सकती है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन, अब सिटी टू सिटी, तो आपके नज़दीकी शोरूम पर ऑन रोड प्राइस की जो है इंक्वायरी कर सकते हो। अब अगर मुद्दे की बात कर ली जाए कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी का सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप किसी दोनों ही गाड़ियों को लेकर के हाईवे पर चल रहे हो, बीच रात में कोई भी गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है तो कौन सी गाड़ी के लिए पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो देखो TVS एक ऐसी कंपनी है जो धीरे धीरे उभर रही है, वैसे इसकी जो सेलिंग है काफ़ी अच्छी है, इंडिया में काफ़ी अच्छे इसके ब्रांड्स जो है प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, लेकिन आज भी रूरल एरिया में TVS के इतने पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं है, कुछ जगह पे मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप सिटी में रहते हो, आपके नियर अबाउट सर्विस सेंटर है या फिर लोकल मैकेनिक जो TVS का काम करता हो, तो वैसे कंडीशन में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो रेडियन को। रेडियन रूरल एरियाज में भी पहुंच चुकी है, तो जाहिर सी बात है इसके स्पेयर पार्ट भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन रियर केसेस में ऐसा होता है कि नहीं मिल पाएगा। वो चीज़ हीरो में नहीं है, हीरो काफ़ी पुराना ब्रांड है, होंडा के साथ ये कोलैबोरेट करता था पहले, उसी के साथ इसके जो पैशन प्रो है ये भी काफ़ी पुरानी गाड़ी है, रेडियन 2 साल पहले आई हुई है, लेकिन पैशन प्रो काफ़ी पहले से मार्केट में है, तो इसके स्पेयर पार्ट आपको जगह जगह अवेलेबल हो जाए। बीच रास्ते में आपको कहीं पर भी आपकी गाड़ी अगर बंद हो जाती है, कुछ स्पेयर या पार्ट आपका ख़राब हो जाता है, तो वैसे में वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो सर्विस नेटवर्क या फिर पार्ट अवेलेबिलिटी स्ट्रांग है हीरो पैशन प्रो का, रेडियन का भी है, मैं नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जगह पे आपको दिक्कतें आ सकती है। अब मोरल की ओर बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, कौन सी गाड़ी को आपको अवॉइड करना चाहिए। 65 से 70 हज़ार रुपये जो हम लगा रहे हैं इन दोनों में, तो कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो मैं पैशन प्रो खरीदूंगा, इसके कई सारे रीज़न हैं, मैंने बताया आपको, मुझे पुलिंग पावर अच्छी मिल रही है, हाईवे की राइडिंग क्वालिटी अच्छी मिल रही है, मैं सिटी में ज़्यादा चलाता हूँ, तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपके हिसाब से भी बताऊँगा आगे। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मेरी पर्सनल ओपिनियन, मैं पैशन प्रो ही खरीदूँ। अब आपकी बात कर लेते हैं, तो अगर आपका रफ़ यूज़ है, टफ़ यूज़ है, किसान हो, खेती में अक्सर जाना आना होता है आपका, गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ ढोते रहते हो आप, यानी कि चारा है या फिर गोनी है, बोरी है, बोरा है, कुछ गैस की हैंडी वगैरह ऐसा है, दूध बेचने वाले भाई होते हैं हमारे, तो ऐसे यूजेस के लिए आपको
रेडियन बेस्ट रहेगी, आप उसकी ओर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग इसे ले सकते हैं, स्टूडेंट्स भी इसे चलाते हैं, सिटी में भी इसे चलाया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम यूजेस हैं इस गाड़ी के लिए, तो आप बिंदास्त रेडियन की ओर जा सकते हो। पैशन प्रो की बात कर ली जाए तो देखो ये स्टूडेंट्स के लिए पहली पसंद रहने वाली है, क्योंकि इसका लुक पहले के मुकाबले थोड़ा मॉस्कुलर बनाने का ट्राई किया गया है। इसका येलो कलर तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पैनल्स भी आगे एक्सटेंड कर दिए गए हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो सिटी में अगर आपका चलना होता है, ऑफिस यूजेस आपका ज़्यादा है, ट्रैफिक में आप चलते रहते हो, कभी कभार लॉन्ग राइड भी आपकी हो जाती है, ऐसी अगर ये अगर आपके पर्पज़ है तो डेफिनेटली आपको पैशन प्रो लेनी चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सी चूज़ करेंगे। ये तो था मेरा जेन्युइन रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे बिना सब्सक्राइब करे मत छोड़ना। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी भी मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके आपके सवाल पूछ सकते हो, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।